पर आनंद जी के विद्यालय में आने का अवसर प्राप्त हुआ और आपके माध्यम से भाई अशोक यादव जी, अशोक अग्रवाल जी के माध्यम से आनंद जी तक हम पहुंचे और आप दोनों लोगों के माध्यम से आप तक भी पहुंचे हैं। तो आज इधर आने का हम लोगों का मकसद है भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन का कार्यक्रम है। इसका सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि अपने हक के लिए व्यापारियों को जागृत करना। व्यापारी तो सभी पार्टियों में है, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, लेकिन जब इनके मदद की बात आती है इनकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसी नाते ओम प्रकाश राजभर गाजियाबाद में प्रवेश किया है कि जहां भी इनकी जरूरत हो, चाहे एसपी के यहाँ, चाहे डीआईजी के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, डीजी के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, जहां भी जरूरत हो वहां अशोक जी को लेकर के आप हमारे पास आइए, हम आपकी पूरी ताकत के साथ मदद करेंगे। पहला उद्देश्य। दूसरा, हमने देखा कि जब इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स व्यापारी देता है और व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान भी होता है, चाहे वो लूट से परेशान हो, चाहे हर तरह उसको परेशान किया जाता है, सबसे ज्यादा टैक्स देता है, इसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। आज उठा के आप देखेंगे तो सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट बना हुआ, राजपूत रेजिमेंट बना हुआ है, जो लगभग 50% टैक्स देता हो देश चलाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कोई रेजिमेंट नहीं। भारतीय समाज पार्टी की चाहत है कि वैस रेजिमेंट का गठन होना चाहिए और हर मार्केट में जो वैस रेजिमेंट में नौजवान भर्ती हो, चार चार AK-47 थमा के खड़ा करा दिया जाए। हमको लगता है कि फिर व्यापारियों की तरफ कोई आंख दिखा करके निकल नहीं सकता है, ऐसा भारतीय समाज पार्टी हम लोगों का मानना है। इसके लिए हम लोग बराबर आज 22 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हम लोग, आप लोगों के जेहन में होगा कि सरकार में हैं और सरकार में रह करके हम सरकार के फोरम पर मुख्यमंत्री जी के यहाँ इस बात को कहते रहते हैं, हम NDA गठबंधन में हैं। जब दिल्ली में NDA गठबंधन की बैठक होती है, जब वहां हम जाते हैं तो वहां भी चाहे संगठन की बैठक हो और चाहे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो, चाहे वहां अमित शाह जी रहे, चाहे नड्डा जी रहे, चाहे कोई रहे, वहां भी इस बात को हम मजबूती से, हम अपनी पार्टी की विचारधारा को वहां बताने का काम करते हैं। और हमारी कोशिश है कि देखिए, अगर हम अपने महापुरुषों की बात करें तो बुद्ध जी ने भी कहा, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। आज हम आनंद जी के यहाँ बैठे हैं, आज महात्मा गौतम बुद्ध जी के ही विचार, महात्मा ज्योतिबा फूले जिन्होंने शिक्षा एक समान, सावित्रीबाई फूले जब महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, चाहे वो सामान्य वर्ग की हो, चाहे पिछड़ा वर्ग, चाहे अनुसूचित, चाहे जनजाति वर्ग, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उस समय सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। आज देश की सर्वोच्च कुर्सी राष्ट्रपति की कुर्सी पर महिला सुशोभित कर रही है। अगर वो किसी की देन है तो सावित्रीबाई फूले की देन है, जिन्होंने पढ़ने लिखने का अधिकार महिलाओं को दिया। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचार, उन्होंने भी यही बात कहा, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज उस काम को हम जहां बैठे हैं आनंद जी, हम सब लोग मिलकर के उस काम को हम लोग कर रहे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचार हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार हो, चाहे मानवर कांसी राम जी के विचार हो, हम सभी लोगों के विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का एक ही मकसद है कि प्रदेश और देश विकास के रास्ते पे जाए, सभी लोग खुशहाल रहे, इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग आप लोगों के बीच में गाजियाबाद की धरती पर
हम लोग समय समय पर आते रहते हैं।